नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है और ये महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। इस किताब से हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, जो भी आपका महत्वपूर्ण नदी है आपके इंडिया में, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने इसका जो है दो पार्ट पढ़ लिया, भारत की प्रमुख नदियाँ में इसका दो पार्ट पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट, जो कि आपका चंबल नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंबल नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बाद आखिरी बार हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी से महानदी नदी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसको मैं पार्ट बाई पार्ट में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर एक साथ सब पढ़ दूंगा तो आपको कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम चंबल नदी से, ये तीसरा पार्ट होगा आपका। ठीक है, तो चंबल नदी को पढ़ने से पहले जो कल पढ़े थे गंगा नदी से लेके कोसी नदी तक, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से है। यमुना नदी का उद्गम है बरपुंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है। गोमती नदी का उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से है। घाघरा नदी का तिब्बत के माप चाचुंगो हिमनद से। गंडक नदी का तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से है। कोसी नदी का प्रवाह की सात धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास कोसाई थाने छोटी से है। गंगा नदी की जो आपका संगम स्थल है वो ग्वालंदो के निकट ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में है। यमुना नदी का जो इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा में बहती है। गंडक नदी पटना के समीप सोनपुर में बहती है और कोसी नदी भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के समीप जो दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी की सात नदी है अलकनंदा भागीरथी रामगंगा यमुना गोमती घाघरा गंडक और कोसी। यमुना नदी की जो आपका सहायक नदी है वो गिरी असम चंबल केन बेतवा और टोंस है। गोमती नदी की सहायक नदी सई जोमकाई बरना गछाई और चूहा है। घाघरा नदी का सहायक नदी राप्ती शारदा और छोटी गंडक है। गंडक नदी का काली गंडक और त्रिशूली है। ठीक है, त्रिशूली गंगा, तो गंडक नदी का काली गंडक और त्रिशूली गंगा है। कोसी नदी का है सन कोसी तामु कोसी लिचु कोसी तलकु दूध कोसी अरुण और ताम्र कोसी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कल का, आज हम चंबल नदी से पढ़ेंगे। तो आज का नया टॉपिक चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, दामोदर नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। तो चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी ये सब आपका यमुना नदी का सहायक नदी है और सोन नदी गंगा की, दामोदर नदी ठीक है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से है। तो चंबल नदी का जो आपका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से है। बेतवा नदी का है रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से है। केन नदी का है सतना जनपद पर मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से है। सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ियों से है। दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार के पलामू से है और ब्रह्मपुत्रा नदी का मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग हिमनद से है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग हिमनद से है। तो चंबल नदी जो है आपका मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलता है। बेतवा नदी रायसेन आपका मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से और केन नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले झारखंड से और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंग हिमनद से।
तो चंबल नदी का जो आपका संगम स्थल है वो है आपका इटावा के पास यमुना नदी में, ठीक है। चंबल नदी का जो संगम स्थल है वो इटावा के पास यमुना नदी में है। ये बेतवा नदी का है, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में। केन नदी का है आपका संगम चिल्ला बांधा में यमुना नदी में। सोन नदी का है पटना से पूर्व गंगा नदी में। दामोदर नदी का है फुलका के पास हुगली नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी है क्वालंदो के निकट पद्मा गंगा नदी में, ठीक है। तो आपका जो है चंबल नदी इटावा के पास यमुना नदी में जाके मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। केन नदी केन नदी जो है आपका चिल्ला बांधा में यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी फुलका के पास हुगली नदी में मिल जाती है। फुलका के पास हुगली नदी कलकत्ता में। ब्रह्मपुत्र नदी ग्वालंदो के निकट पद्मा गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका है, तो चंबल नदी जो है आपका सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, निवाद, शिप्रा और दूधा नदी, दूधी नदी, ठीक है। तो एक मिनट, एक आपका व्यास में भी पार्वती नदी है, ठीक है। देखिए व्यास नदी की सहायक नदी पार्वती है, और एक आपका जो है यहाँ पर चंबल नदी की भी सहायक नदी पार्वती है। तो ध्यान दीजिएगा व्यास का, और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा नेट में, नेट का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पूछ सकता है कि पार्वती किसकी कौन कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो व्यास नदी की और चंबल नदी की, ठीक है। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो काली सिंध है, तीस्ता है, पार्वती है, बनास है, निवाज है, शिप्रा है और दूधी नदी है। एक दूधी नदी है, एक दूध नदी है, ठीक है। एक दूध कोसी है, एक दूध नदी, ठीक है। दूध कोसी है, एक आपका दूधी नदी है, ठीक है। तो दूधी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। बेतवा की सहायक नदी धसान नदी है और बीना नदी है। तो बेतवा की सहायक नदी धसान नदी और बीना नदी है। केन नदी का कयान है सोनार है और उर्मिला है। तो केन नदी का कयान है सोनार है और उर्मिला है। तो केन नदी का जो आपका सहायक नदी है कयान नदी, सोनार नदी और उर्मिला नदी। सोन नदी का महानदी, सोन नदी का महानदी घग्गर, घग्गर, गोपद, रिहन, कांकर और उत्तरी कोयली है, ठीक है। तो सोन नदी का महानदी घग्गर, गोपद, रिहन, कांकर और उत्तरी कोयल कोयली इसका जो है सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, कुनार और जमुनिया। दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं बराकर है, कुनार है और जमुनिया नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो दिबांग है, लोहित है, सुबर्णसिरी है, धनसिरी है, कुलसी है, मानस है, संकोस है, धारला है, तिस्ता है, बुरही है, दिहांग है, दिसांग है। तो दिहांग, दिबांग, दिसांग, ठीक है, सब यहीं पर है। तो दिबांग, दिहांग, दिसांग ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। तो कौन कौन है? दिबांग है, लोहित है, सुबर्णसिरी है, धनसिरी है, कुलसी है, मानस है, संकोस नदी है, धारला नदी है, तिस्ता नदी है, पुरही नदी है, तिहांग नदी है और दिसांग नदी है, ठीक है। तो ये आपका
ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदियां हैं, ठीक है, क्योंकि तो काफी बड़ी है, बड़ा है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। एक मिनट, तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनाब पाव पहाड़ी से है। बेतवा नदी का रायसेन मध्य प्रदेश के उमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से है। केन नदी का सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से है। सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ियों से है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंग डुंग हिमनद से है। और चंबल नदी की जो आपका संगम स्थल है वो इटावा के पास यमुना नदी में है। बेतवा नदी की हमीरपुर के निकट यमुना नदी में। केन नदी का है चिल्ला बांदा में यमुना नदी में। अब सोन नदी का है पटना से पूर्व गंगा नदी में। दामोदर नदी का संगम है फुलका के पास हुल्की नदी हुगली नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी का है ग्वालंदों के निकट पद्मा गंगा नदी में। और चंबल नदी की सहायक नदी है कालीसिंध तीस्ता पार्वती बनास नदी निवाज नदी शिप्रा नदी और दूधी नदी। बेतवा नदी का है धसान नदी और बिना नदी। केन नदी का है कयान नदी सुनार नदी और उर्मिल नदी इसका सहायक नदी। सोन नदी का सहायक है महानदी घग्गर गोपद रिहंद कांकर उत्तरी कोयली। दामोदर नदी का है बराकर कुनार और जमुनिया। और ब्रह्मपुत्र नदी का है दिबांग लोहित सुबनसिरी धनसिरी कुलसी मानस संकोच धारला तीस्ता बुरही दिहांग और दिसांग है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो हम यहीं पर समझ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।